स्टैमरिंग मतलब रुक रुक के बोलना, अटक अटक के बोलना या हकला के बोलना। अब ये क्यों प्रॉब्लम होती है, मैं उसका पहले आपको रीजन बता देता हूं। रीजन नंबर वन कि हमारा माइंड जब कंफ्यूज हो जाता है, जब हमारा फ्यूज दिमाग का उड़ जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज माइंड का मतलब क्या है, यहां पे मैं जो सोच रहा हूं मैं वो बोल नहीं पा रहा, या अगर मैं सोच रहा हूं तो कुछ ज्यादा ही सोची जा रहा हूं। जिसको अगर लगता है ना कि मैं रुक जाता हूं बोलते बोलते, या मुझे ब्लॉकेज आती है, पॉजेज आते हैं, उस इंसान को आप खुद को बोलना कि एक बार खुद से ये बात पूछे कि आप ज्यादा तो नहीं सोचते। वो जरूर ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग के अंदर है। ओवर थिंकिंग का नुकसान क्या होता है, जो मैं सोच रहा हूं वो तो मैं सोच ही रहा हूं, लेकिन मैं सामने वाले के लिए भी मैं ही सोच रहा हूं। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा वो चीज भी मैं सोच रहा हूं। उसकी सोच को अपना सोच बना लोगे तो वहां प्रॉब्लम जरूर आएगी। या तुमने किसी को इतना एडिफाई कर दिया, तुमने इतनी ज्यादा हवा दे दी किसी सामने वाले को कि यार ये तो इतना बड़ा बंदा है, मैं इसके सामने क्या बोलूंगा, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कहीं रुक ना जाऊं, या अगर बोलते बोलते मेरे कहीं इंसल्ट ना हो जाए, तो ये कुछ मेंटेलिटी दिमाग में आ जाती है। और यार एक नेचुरल प्रोसेस है, क्यों हम उस प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं। जब तक फंसे हुए को बाहर नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम सही कैसे होगी, ठीक है ना। अब लोग यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर आपके पास कोई दवाई है क्या, अगर दवाई होती ना वो शायद मार्केट के अंदर तो आज की डेट में कोई स्टैमरिंग नहीं कर रहा होता, कोई स्टटरिंग नहीं कर रहा होता, कोई मिसआर्टिकुलेशन नहीं होता, किसी बच्चे को ऑटिज्म नहीं होता, किसी बच्चे को डिले स्पीच नहीं होता। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कोई मेडिसिन नहीं बन सकती। आप ना साइंटिफिकली अगर इस चीज को थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि ये हमारी एक रॉन्ग हैबिट है। अब रॉन्ग हैबिट हमारी एक दिन में डेवलप नहीं होती। हैबिट, हैबिट वर्ड यूज कर रहा हूं, हैबिट का मतलब क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस जो मेरे द्वारा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है और रूटीन बेसिस पे हो रहा है। आदत हमने बोलने की भी बनाई, गलत बोलने की, जिसकी वजह से हमें लग रहा है मैं रुक रहा हूं। अब रुकना कोई अच्छी बात नहीं है, लगातार बोलने के समय अगर कोई इंसान रुक रहा है तो उसके ऊपर ना लोग सामने वाले ना या तो मजाक उड़ाएंगे या तो उसकी हंसेंगे उसके ऊपर, तो उससे नुकसान क्या होगा, उसका उसका हेजिटेशन लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा गिर जाएगा। तो इसको अब सही कैसे करना है, फिर सही करने का एक ही फॉर्मूला है, अपनी जर्नल स्पीकिंग में स्पीड का ध्यान रखो। स्पीड का ध्यान कैसे रखना है, अपना अभी का वीडियो बनाओ कि मैं किस स्पीड में बोल रहा हूं और मुझे क्या स्पीड में बोलना चाहिए। दो वीडियो बनाओ अलग अलग स्पीड में, आपको फर्क क्लियर हो जाएगा किस स्पीड में मैं लगातार बोल सकता हूं, वो आपकी नॉर्मल स्पीड है। और उस नॉर्मल स्पीड के अंदर बोलने की जितनी जल्दी हैबिट बना लोगे, हैबिट दोबारा यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है हैबिट, तो वो हैबिट राइट हैबिट जब जितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर दोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। रिजल्ट लेना भी मेरे हाथ में है, प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ ना भी मेरे हाथ में है। अब सोचना आपने मुझे प्रॉब्लम की तरफ रहना या सॉल्यूशन की तरफ। अब एक ऑनलाइन सेशन के अंदर लोग हैरान हो जाते हैं कि सर मैं जिस बात को लगातार नहीं बोल पा रहा था, सब कुछ समझने के बाद मेरी प्रॉब्लम, मेरा रीजन और उसका सॉल्यूशन, मैं एकदम लगातार कैसे बोल पा रहा हूँ सर, मुझे खुद पे हैरानी हो रही है। वो हैरानी खुद पे नहीं हो रही, अपनी गलतियों पे हैरानी हो रही है कि मैं इतना गलत बोलता था, मुझसे इतना, मैं अगर मैं इतनी आराम से बोल सकता हूं तो मैं क्यों उस रास्ते पे चला। अभी आज तक आपको समझ ही नहीं आई ना मेरी प्रॉब्लम ही क्या है, आपको समझ ही नहीं आया ना मेरी वजह क्या है, आपको समझ ही नहीं आया उसको सही कैसे करना है। जब ये तीन आपकी चीज आपके माइंड से क्लियर नहीं होगी तो आप वहां फंसे रहोगे। अब उसके बाद आता है मिस आर्टिकुलेशन, सर मुझे र और ल में ना प्रॉब्लम रहती, या मैं क ख ग नहीं बोल पाता, या स और श की भी इंक्वायरी आई थी कि सर स और श नहीं बोल पाता। कुछ नहीं है, इनका बेसिक समझो, लेकिन इनका बेसिक तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन लोग एक गलती और कर रहे हैं कि वो जर्नल स्पीकिंग में अगर मैं किसी सामने वाले के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं तो उसके अंदर भी उसी सिंगल अल्फाबेट के बेसिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला र के लिए जीभ ऊपर जाती है, तो अगर मुझे बोलना है राम राम तो वो सोच में ये पड़ जाएंगे मुझे जीभ तो ऊपर लेके जानी है, र में, जैसे कि
राम राम, अगर ऐसे बोलोगे तो ये नॉर्मल स्पीकिंग नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अल्फाबेट क्लियर करने के लिए सेपरेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जनरल स्पीकिंग में किसी चीज का ध्यान नहीं रखना कि मैं र बोल रहा हूं या ल बोल रहा हूं। जनरल स्पीकिंग में नॉर्मल स्पीड का ध्यान रखना है बस। अगर नॉर्मल स्पीड आपकी है तो वो अल्फाबेट अपने हिसाब से वो जीभ राइट जगह पे जाएगी और मूवमेंट उसकी वहां होगी और आपको वो साउंड जरूर मिलेगी। यकीन नहीं होता तो एक ऑनलाइन सेशन के अंदर हम आपको सब कुछ लाइव दिखाएंगे, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हैप्पी होली टू ऑल, और आप सब अच्छे से इंजॉय कीजिए और मेरे वीडियोस से मैक्सिमम फायदा उठाइए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।